तेरा जैसा नमकीन कोई नहीं, और अपुन को नमकीन का बहुत शौक है, क्या समझा? आइए दोस्तों, बात करते हैं 80 के दशक की मराठी और हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर के बारे में। अभिनेत्री के साथ साथ ये एक मॉडल और गायिका भी हैं। साथी कोई भूला याद आया। वर्षा उसगांवकर का जन्म 28 फरवरी 1968 को गोवा में हुआ था। इनके पिता AKS उसगांवकर एक राजनीतिज्ञ थे और माता मनिकाबाई उसगांवकर एक शास्त्रीय गायिका थी। इनकी दो बहन है, एक का नाम तोषा कुराडे और दूसरी का मनीषा तारकर। दोस्त बन के आपने खंजर चला दिया। इन्होंने पंडित सुधाकर करंदीकर से शास्त्रीय संगीत सीखा। बीन बजाता जा, मेरे बीन बजाता। इनकी पढ़ाई लिखाई गोवा में पूरी हुई। इन्होंने कॉमर्स से स्नातक किया था। पढ़ाई के साथ साथ ये मराठी नाटकों में भी भाग लेती थी। क्यों हीरो, अपुन को पहचाना नहीं? अरे अपुन तो वही है जिसका नाक साल का 12 महीना बहता रहता है। साल 1982 में मराठी नाटक ब्रह्मचारी से इन्होंने सबसे पहले अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा था। उसके बाद इन्होंने बहुत सी मराठी फिल्मों में अभिनय किया और मराठी फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई। इनकी पहली हिंदी फिल्म साल 1990 की दूध का कर्ज थी, जिसमें इन्होंने एक सहायक अभिनेत्री के तौर पर काम किया था। उसके बाद साल 1991 में इन्होंने 3 हिंदी फिल्मों शिकारी, अफ्ताबंद और साथी में अभिनय किया। साल 1992 में इन्होंने हनीमून, सोने की जंजीर, दिलवाले कभी ना हारे और गर्जमाई में अभिनय किया। साल 1993 में इन्होंने तिरंगा, इंसानियत के देवता, अस्ति, घराया मेरा परदेसी, खलनायिका, परदेसी और परवाने जैसी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना क्या प्यासी नदिया जाने जा।
1994 में बेटा हो तो ऐसा, 95 में पथरीला रास्ता, 96 में दुश्मनी, शोहरत और मुकदमा जैसी फिल्मों में अभिनय किया। शाम का सूरज ढलने लगा, टिमटिमा रही है बस्ती, कंगना पहना दे सजन तेरे नाम का, वरना मेरा मेरा सलाम ले, मोहब्बत का जाम ले, नजरे पैरों से बात करके बदलो न रंग नजर के। 90 के दशक में इन्होंने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट करवाया था, जिससे ये काफ़ी चर्चा में आ गई थी। उस समय इस तरह का फोटो शूट ममता कुलकर्णी जैसी गिनी चुनी अभिनेत्रियाँ ही करवाती थी। इन्होंने साल 1997 में जय महालक्ष्मी माँ, 98 में ये ना थी हमारी किस्मत, 2001 में स्टाइल, 2004 में हत्या, 5 में मंगल पांडे दी राइजिंग, मिस्टर या मिस, 2006 में जिज्ञासा, 2014 में सुपरनानी और 2016 में अर्धांगिनी एक अर्ध सत्य जैसी फिल्मों में अभिनय किया। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने बहुत कम हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था, ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में ये एक सहायक अभिनेत्री के तौर पर नजर आई थी, लेकिन बहुत सी मराठी फिल्मों में इन्होंने मुख्य अभिनेत्री के तौर पर अभिनय किया था और इनको बहुत सी फिल्मों के लिए पुरस्कार भी मिला था। अस्सी के दशक के अंत में ये नीतीश भारद्वाज के साथ प्रेम संबंधों में रही थी। नीतीश भारद्वाज महाभारत के श्री कृष्ण के रूप में जाने जाते हैं। साल 1991 में इन दोनों के प्रेम संबंध खत्म हो गए थे। इनसे अलग होने के बाद नीतीश भारद्वाज ने दो शादियां की और दोनों पत्नियों से उनका तलाक हो चुका है। वर्षा ने साल 2000 में संगीत निर्देशक रविशंकर शर्मा के बेटे अजय शर्मा से शादी की थी और अब तक दोनों के रिश्ते बरकरार हैं। शादी की है हमको तो हनीमून चाहिए। वर्षा ने फिल्मों के अलावा साल 1988 में पौराणिक धारावाहिक महाभारत में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का किरदार निभाया था। 90 के दशक में इन्होंने धारावाहिक झांसी की रानी में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया था। धारावाहिक चंद्रकांता में इन्होंने सांप रानी रूपमती की भूमिका निभाई थी। इनके अलावा इन्होंने अलविदा डार्लिंग, तन्ना और अनोनी जैसे धारावाहिकों में भी काम किया है। आज हम तुम वो शर्म मिलती वादा।